हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू और सेम की सब्ज़ी बनाएंगे। तो सेम देखिए इस तरीके से पीस में हम काट लिए हैं। इधर आलू लिए हैं, हल्का सा छील लिए हैं आलू को, और दोनों अच्छी तरीके से हम धुल लिए हैं। अब इसको कुकर में रखते हैं बॉयल होने के लिए। तो पहले हम आलू रख रहे हैं नीचे, अब ऊपर से हम सेम रख रहे हैं। आधी गिलास इसमें हम पानी डाल रहे हैं बॉयल होने के लिए। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 3 सीटी हम लगा लेते हैं। ये देखिए 3 सीटी हमारी हो गई है, अच्छी तरीके से ये बॉयल हो गया है। तो इसको हम थाली में निकाल ले रहे हैं। ये देखिए ये बॉयल हो गया है। तो इसको आलू को हम छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। देखिए इस तरीके से अब इधर पैन रख दिए हैं, गर्म हो रहा है। सरसों का ऑयल डाल दिए, इसमें जीरा आधा चम्मच ले रहे हैं तड़का के लिए। जीरा हमारा ब्राउन हो रहा है तब तक हम प्याज, एक मीडियम साइज का प्याज इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ। प्याज देखिए ब्राउन हो गया हल्का हल्का। तो इसमें मिर्चा अदरक जीरा लिए हैं, पेस्ट बना लिए हैं, और लहसुन भी है। तो इसको अच्छी तरीके से तेल में पका ले रहे हैं। एक चम्मच हमारा सब्जी मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम लेंगे दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च। इन सभी मसालों को अच्छे से हम देखिए चला ले रहे हैं। इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ एक हम डाल दिए हैं। मसाले में अच्छी तरीके से टमाटर भी मिला दे रहे हैं ताकि ये भी पक जाए। अब इसमें हम सब्जी डालेंगे। तो सब्जी हमारी पहले से ही बॉयल है। ये देखिए आलू और सेम एक साथ हम डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से हम चला के मिला दे रहे हैं मसाले में। इस तरीके से हम लोग इस पीस को बराबर चला रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से मसाला इसमें मिक्स हो जाए। अब इसको ढक देते हैं, गैस लो कर देखते हैं। ये देखिए इसको चला ले रहे हैं। देखिए सब्जी और मसाला अच्छी तरीके से पक गया है। इसमें हम थोड़ा पानी डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। अच्छी तरीके से चला के ढक दे रहे हैं ताकि सब्जियां अच्छी तरीके से हमारी पक जाएं। ये देखिए पानी एकदम सूख गया है, सब्जियां हमारी बन के रेडी हो रही हैं। देखिए अब इसमें हमारी धनिया ऐड कर रहे हैं। ये देखिए सब्जियां बन के हमारी रेडी हो गई हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं इस तरीके से। ये सेम की सब्जी स्वादिष्ट हमारी बन के रेडी हो गई है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।